सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, आपके लिए खुशखबरी है, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं कशिश गुप्ता जी पक्ष लीगल से, और जीएसटी के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है कशिश गुप्ता जी को। तो आप लोगों का एक सवाल आता है मेरे पास, उस सवाल का जवाब देंगे कशिश गुप्ता जी। सवाल ये है कि सर, हमारा रिफंड बनता था, जेन्युइन रिफंड है हमारा, चाहे वो हमारा एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का हो गया या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस हो गया, लेकिन सर गलती से ना 2 साल निकल गए। अब अगर हमारे 2 साल निकल गए तो सर क्या हमें रिफंड मिलेगा? जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, टाइम लिमिट बढ़ाई है, क्या हमें उसका बेनिफिट मिलेगा? या ये जो चीज़ें बाद में आ रही हैं क्लैरिफिकेशन रिफंड्स को लेकर, क्या हम उसका बेनिफिट लेते हुए अपनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करें? और अगर रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है तो हम अपील में जाए या ना जाए? तो सर इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है? अगर रिफंड बनता है तो हमारे को, हमारे क्लाइंट्स को रिफंड मिलना चाहिए या नहीं? सिर्फ 2 साल का टाइम निकल गया, 15 दिन, 1 महीना लेट हो गया, उस वजह से रिजेक्शन होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि रिफंड के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन थी और उसके बाद क्लैरिफिकेशंस बाद में आई। अगर कुछ क्लैरिफिकेशंस पहले आ जाती तो शायद हम टाइमली फाइल कर देते। तो प्लीज़ सर आप इस पर अपना व्यू बताइए। सबसे पहले शुक्रिया मुझे इस चैनल पर दोबारा बुलाने के लिए, और उम्मीद है कि आप सब हमारे व्यूज़ को पसंद कर रहे होंगे और उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे होंगे। और जैसा कि मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कपिल जी ने, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें पूरा रिफंड चैप्टर इन्होंने कवर कर लिया है कि बस भैया तुम बता दो कि रिफंड मिलना कैसे है। बस ये मत पूछो कि 2 साल निकल गए हैं, मेरा एक्सपोर्ट हुआ है नहीं हुआ है, सर्कुलर था नहीं था, बस बता दो कि मिलना कैसे, मिलवा दो रिफंड, दिलवा दो। तो मैं एक एक करके टेकअप करता हूँ। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो प्राइमरीली जो सबका व्यू है, इंक्लूडिंग मेरा व्यू भी है, वो यही है कि ये अपीलेट प्रोसीडिंग्स को कवर करता है। क्वाज़ी जुडिशियल को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम बचता है। तो अगर आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया है और आपने 3 महीने तक अपील फाइल नहीं की है, तो आपके लिए तो ये खुशखबरी है कि आप अब अपील फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एडहॉक एक्सटेंशन है, 15 मार्च 2020 से लेके आज तक एक्सटेंशन ही है। 20 जुलाई या 19 जुलाई को हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में है, उस दिन वी कैन एक्सपेक्ट कि फाइनल ऑर्डर क्या आ रहा है, या तब तक अगर भगवान ना चाहे ऐसा कुछ हो कि अगर ये डेल्टा वेव स्ट्रॉन्ग हो गई और उन्होंने बोला कि अभी इसको 4 एक्सटेंड करते हैं, तो ये और एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि जस्ट एक अपील फाइल करने का टाइम बढ़ने के लिए, ऐसी आशा जगने के लिए एक डेल्टा वेव आ जाए, तो ये सब अब एंड हो और हम सब अपने पुराने वर्किंग कल्चर पे वापस पहुंचे, ये आशा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपका रिफंड ऑर्डर रिजेक्शन हो गया है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। पोर्टल आपको पॉपअप देगा कि यू आर फाइलिंग द अपील बियॉन्ड 3 मंथ्स, वो उस पर यस क्लिक करके आगे बढ़ के अपील फाइल कर देना, और आपको कॉन्डोनेशन लेटर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओरिजिनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन में ही आप चल रहे हैं। सेकंड ये है कि मैंने रिफंड ही 2 साल तक फाइल नहीं किया। बिल्कुल। अब इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो ये है कि मैंने विद इन 2 ईयर रिफंड फाइल किया था, डेफिशिएंसी मेमो आ गया, फिर सेकंड रिफंड एप्लीकेशन आफ्टर 2 ईयर्स है, तो हम इस कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। अब इस कैटेगरी की फर्दर 2 सब कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ये कि आपने जो फर्स्ट डे को रिफंड एप्लीकेशन फाइल की थी वो एज पर स्टैट्यूट कंप्लीट थी, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं वो कंप्लीट थे। अब रूल 89 में लिखा है कि सीए सर्टिफिकेट चाहिए अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए, लेकिन उसकी प्रोविजन में लिखा है कि कुछ पॉइंट्स के लिए नहीं चाहिए। राइट। अब अगर हम उस पॉइंट में फॉल करते हैं और डिपार्टमेंट ने आपको डेफिशिएंसी मेमो दिया कि अंडरटेकिंग नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, और फिर आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया, तब डिपार्टमेंट कहता है कि इट इज बार बैठा है, तो ऐसे केसेस लड़े जा सकते हैं, क्योंकि एज पर लो मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट थी। लो कंप्लीट एप्लीकेशन की बात करता है जो एज पर लो होनी चाहिए, ना कि एज पर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑफिसर होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन, तो ये भारत है, सबके अलग अलग सेटिस्फेक्शन के क्राइटेरिया हैं। कोई फेस से संतुष्ट हो जाता है, कोई किसी और चीज़ को देख के संतुष्ट होता है, तो इसको तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, हमें एज पर लो चलना है। जी जी। तो रिफंड को फाइल करते हुए आप ये ध्यान दें कि आपकी रिफंड एप्लीकेशन फर्स्ट डे को ही कंप्लीट है। तो अगर ऐसे केसेस हैं तो वो हम टेकअप कर सकते हैं। मैं ऐसे 1-2 मैटर्स को कंटेस्ट भी कर रहा हूँ। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम अपीलेट अथॉरिटी से ही ऐसे रिलीफ ऑर्डर आपको ला देंगे, नहीं तो हम अपने कुछ जो हमारे लिंक्स हैं या हमारे नोन हैं, जो हमारे सीनियर हैं, वो भी हाई कोर्ट में ऐसे मैटर्स को लेके गए हैं।
अगर उनका ऑर्डर पहले आया था तो वो भी अच्छा है, फिर हमें फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसे कुछ ऑर्डर्स की आप उम्मीद बहुत जल्द कर सकते हो। ओके। सेकंड कैटेगरी ये है कि अभी रिसेंटली रूल्स में अमेंडमेंट हुई है कि जो रिफंड आपने फाइल किया है और जो डेफिशिएंसी मेमो इश्यू किया है, इन दो डेट्स के बीच में जितना पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा जब आप सेकंड रिफंड फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे। लेकिन ये जो रूल है, मैं जानना चाहता हूँ, ये जो टाइम लिमिट्स है, हमने अपनी मैगजीन में भी ये चीज़ को डिस्कस करा है, आप लोगों ने हमारी मैगजीन पढ़ ली होगी, सब्सक्राइब कर ली होगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रूल्स में चेंज हुआ है कि भाई ये जो टाइम पीरियड होता है हम इसे हटा देंगे, क्या ये पिछले वाले पीरियड्स पे लग जाएगा, पिछले रिफंड्स की एप्लीकेशन पे लग जाएगा? तो मैं ये भी क्वेश्चन आंसर करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका एक रिस्ट्रिक्टिव पीरियड है तो आप इसको भी एक्सक्लूड करके अपनी रिफंड एप्लीकेशन सेव कर सकते हैं। ओके। अब क्वेश्चन उठता है कि सरकार से तो ये प्ली थी सबकी कि अगर मैंने एक दिन रिफंड एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो मेरा तो सबमिट हो गया, अब आपने रिजेक्ट करने कर दो, लेकिन इसको एक नया प्रोविजन बना के फ्रेश का आप इसे टाइम बार ही कर रहे हो, ये गलत है। गलत। तो जो सरकार का इसमें व्यू है वो ये है कि आपने 2 साल में रिफंड फाइल करना था, आप अधूरा तो करोगे नहीं कि आज आखिरी डेट है, ये एक पर्चा उठाया, लो जी मेरा रिफंड फाइल हो गया, आप तो कंप्लीट ही करोगे। ठीक है, तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि आप विद इन 2 ईयर पूरी रिफंड एप्लीकेशन लेके आएंगे, इसीलिए जितने दिन मैंने डेफिशिएंसी निकालने में लगाए मैंने उतने दिन का आपको रिलीफ दे दिया। राइट। तो गवर्नमेंट मेरे व्यू में यहाँ पे स्ट्रोंग है। लेकिन अगर अब मैं लो की बात करता हूँ, जो रूल 90 है जिसमें ये अमेंडमेंट की गई है, वो रूल कहता है कि एक्नोलेजमेंट, वो कहता है कि जिस दिन मैंने एक्नोलेज कर दिया उस दिन से ऑफिसर का 60 डेज का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। राइट। तो इस रूल को ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एक ऐसा टाइम बताना कि किस दिन से 60 दिन स्टार्ट होंगे। राइट। लेकिन जो हमारे 2 साल की बात है वो सेक्शन 54(1) में की गई है, ना कि 54(5) या 7 में की गई है। तो उस एक टेक्निकल रूट से भी हम ये कह सकते हैं कि ये अमेंडमेंट सही जगह नहीं प्लेस की गई है, इसकी सही जगह होनी चाहिए थी या तो ये सेक्शन 54 में ही अमेंडमेंट करते या ये रूल 89 में अमेंडमेंट करते, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करना 90 में जो कि एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म है इसमें ये गलत है टू माई माइंड। अब क्वेश्चन है कि ये प्रोस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है। तो देखिए ये माफतलाल इंडस्ट्री में भी क्लियरली हेल्ड हुआ है कि किसी दूसरे के रिफंड ऑर्डर के बेसिस पे आपको रिफंड नहीं देंगे, अपनी रिफंड की फाइट हमें खुद लड़नी है। राइट। तो अगर आज की डेट में जब ये सर्कुलर आया, आपके कोई रिफंड एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो पेंडिंग है या कोई रिफंड एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो रिजेक्ट हो गई थी लेकिन आपने अपील डाली है, मतलब वो अलाइव है, आप हैंड फोल्ड करके नहीं बैठे हो, उसे टाइम बार करके नहीं बैठे हो, आप उनमें ये बेनिफिट लगा सकते हैं, बेनिफिट लगा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ना तो इसे हम प्रोस्पेक्टिव बोलते ना इसे हम रिट्रोस्पेक्टिव बोलते, इसे हम बोलते हैं रिट्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव कहने का मतलब कि ये पास्ट से भी लग रहा है लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ें पे लगते हैं जो आज के डेट में एक्टिव है। जैसा कि कुछ सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आती है कि अगर 2006 में अमेंडमेंट आई थी कि जो सक्सेशन है उसमें फीमेल का भी राइट है पार्टिसिपेट करने का, गर्ल चाइल्ड का भी, तब उसके अमेंडमेंट ये नहीं कि जो 2006 से बेटियां बोर्न हुई है ये उन्हीं को अप्लाई करेगा, ये रिट्रोएक्टिव है कि अगर कोई 1990 में भी बोर्न हुई है तो वो भी इसमें कवर हो गई है विद ऑल द लीगल इम्प्लीकेशंस जो है। तो ये रिट्रोएक्टिव होती हैं प्रोविजन सारी की सारी, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होती कि पास्ट के सारे मैटर भी पता लगे 2006 में बेटी बोल रही है कि 2000 में जो सक्सेशन हुई थी अब वो भी गलत हो गई है, जो सक्सेशन 2006 के बाद हुई उसमें बेटी पार्टिसिपेट करेगी चाहे वो 2006 से पहले बोर्न हुई हो। बिल्कुल। अब मेरा क्वेश्चन ये है नटसेल में कि जिन लोगों का 2 साल का टाइम पीरियड निकल गया है, ठीक है ना, अब वो रिफंड की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो पोर्टल से तो वो हो जाती है, ठीक है ना, अब मेरा क्वेश्चन है ना, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी एप्लीकेशंस को अगर हम जो सपोर्टिंग देना चाहे तो जैसे जिसके 2 साल हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बीच में आ रहे हैं वहाँ पर एक्सपायर हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सपोर्ट लेके रिफंड एप्लीकेशन हमारी फाइल कर सकते हैं या हम अपील फाइल कर सकते हैं, हमें रिफंड मिलेगा, सिर्फ यस और नो में आप बताएं। सिर्फ यस और नो बोलना, तो यस और नो दोनों ही है। अच्छा। क्योंकि ये मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। जैसा कि मैंने आपके साथ अभी एक वीडियो शूट की थी थोड़े टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी पे, जी उस पर हमने ये आपको व्यू दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो एक मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ इसके फेवर में कुछ इसके अगेंस्ट में है,
और जो उसमें वर्ड है अथॉरिटीज, उसका मेरा इंटरप्रिटेशन था कि सिर्फ रिकवरी तक वो लिमिटेड है, लेकिन कुछ सेकंड स्कूल ऑफ लॉ कहता है कि वो अथॉरिटीज मींस ऑल काइंड ऑफ अथॉरिटीज, इसीलिए ये रिफंड एप्लीकेशन पे भी लगेगा। बिल्कुल, मैं आपके ऑडियंस को इतना बता देता हूँ कि देश के जो सबसे माने हुए एडवोकेट्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका भी व्यू ये है कि रिफंड एप्लीकेशन कवर्ड है, लेकिन एक उन्हीं के टक्कर में जो एडवोकेट्स हैं वो ये व्यू ले रहे हैं कि ये कवर नहीं है। तो लेकिन सबका कंक्लूजन ये है कि ये टाइम आने पे ही पता लगेगा, जब हम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तब पता लगेगा। तो तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रिफंड एप्लीकेशन 2 साल का टाइम निकल गया है, फिर भी भैया रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दो, लगना तो कुछ है नहीं। और अगर आपकी रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, किस बेसिस पर, टाइम बाढ़ के बेसिस पर, तो आप अपील भी फाइल कर दो, वहाँ पर अपना जस्टिफिकेशन दो, क्या पता आपको रिफंड मिल जाए, ये चांसेस है, नहीं तो गया तो है ही। तो भैया पहली बात तो यह है कि टाइमली फाइल करो, अगर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का बेनिफिट्स लेते हुए आप ये रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ये हमारा ऐसा व्यू पॉइंट है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और आपका क्या व्यू पॉइंट है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और एक बात और, हमारे पास कशिश गुप्ता जी जो आए हैं, इनका भी आपको मोटिवेशन करना है, इनका भी यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि पक्ष लीगल के नाम से है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।